हम 12 साल के थे तब से हम पूजा करा रहे हैं। 12 साल के थे तब से। जब कहाँ से सीखे सब? ये सब अपने दादाजी के साथ सीखे हैं। सब बीज मोहन पाठक। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। धन तेरस जिसका नाम ही है धन, हाँ। उसका तेरस मतलब कि शंकर जी का तेरस है, हाँ। आप पार्वती जी का प्रदोष है, हाँ। तो ये धन तेरस के नाम पर होता है, धन के लक्ष्मी के लिए होता है, तो इसीलिए। और बोलिए आज क्या शुभ माना जाता है, क्या लोग खरीदारी करते हैं ज्यादा? सिक्का वगैरह हो, हाँ। सोना हो और बढ़िया रहता है। बर्तन वर्तन भी खरीदते, हाँ, हैं? बर्तन भी खरीदते हैं लोग, बहुत बहुत लोग तो लक्ष्मी के प्रतीक झाड़ू को मानते हैं तो भी खरीदते हैं। अच्छा ठीक है। धन तेरस जिसका नाम ही है धन, हाँ। उसका तेरस मतलब कि शंकर जी का तेरस है, आप पार्वती जी का प्रदोष है, तो ये धन तेरस के नाम पर होता है, धन के लक्ष्मी के लिए होता है, तो सिक्का वगैरह हो, हाँ। सोना हो और बढ़िया रहता है। बर्तन वर्तन भी खरीदते, हाँ, हैं? बर्तन भी खरीदते हैं लोग, बहुत लोग तो लक्ष्मी के प्रतीक झाड़ू को मानते हैं तो भी खरीदते हैं। अच्छा ठीक है। दिवाली जो पड़ रहा है, शुभ मुहूर्त क्या है दिवाली का, शुभ मुहूर्त पूजा कराने का? 5:58 से लेकर के और 7:45 तक ये वृक्ष लगन हो, और उसके बाद से सिंह लगन चलेगा। हम 12 साल के थे तब से हम पूजा करा रहे हैं। 12 साल के थे तब से। जब कहाँ से सीखे सब? ये सब अपने दादाजी के साथ सीखे हैं। ब्रजमोहन पाठक, ब्रजमोहन पाठक के साथ हम सीखे हैं। सीखे हैं, हाँ हाँ। आपके पिता? हमारे फैमिली में सबको पूजा कराते हैं, पिताजी, हमारे चाचा जी, हमारे दादाजी, सबको हमारे घर में पूजा कराता है। नानी है? आज अभी तक हम 7 से 8 जगह पूजा करा चुके हैं, हाँ। और हमको 6 जगह पूजा हमको कराना है। दीपावली के दिन भी? दीपावली के दिन हमको कम से कम 15 ठो पूजा कराना है अकेले, हाँ। और दादाजी के साथ भी हमको कराना है 6 ठो पूजा। शुभ मुहूर्त क्या है? शुभ मुहूर्त जो मेरे दादाजी बोले हैं 5:58 से 7:45 तक, ये जो है शुभ मुहूर्त है दिवाली के दिन, हाँ हाँ। अपना नाम बता दो। यशराज पाठक।